लीजिए, गर्मा गर्म पराठों के संग पत्ता गोभी की सब्जी हमारी तैयार है। आप इसे टेस्ट करिए और सविताज कुकिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार, सविताज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले हम ये पत्ता गोभी लेंगे और इसे हम काटेंगे और साथ ही साथ हम ये लेंगे प्याज। हमने चार प्याज लिए हैं, दो तीन में हमने हरी मिर्च ली है और एक टुकड़ा अदरक का लिया है। इन सबको हम काट के रख देंगे, तैयार कर देंगे सबसे पहले। ऐसे हम काट लेंगे और पूरी पत्ता गोभी को हम काट के तैयार कर देंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और ये हमने हरी मिर्च काटी है, ये प्याज है, ये अदरक है, ये आलू है और ये पत्ता गोभी हमने से काट के धो के रख लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हमने इसमें तेल डाल दिया है और अब हम इसमें मेथी डालेंगे। अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, हम उसको सौते करेंगे, थोड़ा सा उसको भूजेंगे जब तक हमारी प्याज हल्की भूरे रंग की नहीं हो जाती है। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी की जब भी आप सब्जी बनाते हैं उसमें अगर आप प्याज डाल के बनाएंगे तो उसका स्वाद और भी उभर के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग भूरा हो गया है। अब हम इसमें हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 और चम्मच, 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, एक चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सब मसालों को हम धीमी आंच पर इसमें फ्राई करेंगे, हल्का हल्का इसको भूजेंगे। अब इस वक्त हम इसमें ये आलू डालेंगे, इनको हम मसाले में अच्छे से भूज लेंगे।
अब हम पत्ता गोभी इसमें डालेंगे। इसको हम ऐसे ही थोड़े से कम आंच पर इसको हम ढक कर पकाएंगे। चलिए देखते हैं। वाह, देखिए जो हमने पत्ता गोभी डाला था ना, उसी के पानी से हमारे आलू गल गए हैं। अब हम इसको चलाएंगे, देखिए चेक करके देखते हैं। ये देखिए कितने आसानी से हमारी आलू कट जा रहे हैं। अब हम इस पूरे को मिला लेंगे। और इसके अंदर अभी देखो थोड़ा सा भी इसमें पानी रह गया है, ये देखिए रसा रह गया है। इस रस को सूखने के लिए अभी इसको थोड़ी देर और हम इसे आंच पर रखेंगे जब तक कि इसका पूरा रस सूख नहीं जाता। तो हम थोड़ी देर ढक देंगे। जब तक हमारी सब्जी बन रही है पत्ता गोभी ही, तब तक हम यहाँ पराठे तैयार कर देते हैं। बस ये हमने आटा मार दिया है, आटा गूंद लिया है और अब हम इसके तिकोन पराठे बनाएंगे। हमने घी लिया है, घी को ऐसे लगाना है। इसके बाद फिर हमने इसे कर लिया, फिर हम इसको एक और बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसमें पत्थर लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे भिगोएंगे। बच्चों को ये तिकोन पराठे बहुत पसंद होते हैं और उनके टिफिन में भी आप ऐसे रख सकते हैं इन पराठों को। ये बन गए तिकोन पराठे, डाल देंगे गैस तेज कर देंगे। तब तक हम सब्जी चला लेते हैं। वाह देखिए पूरा रस इसका सूख चुका है सब्जी का। इन पराठों को भी हम थोड़ा सा पलट लेते हैं और इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये धनिया। धनिया के बिना तो सब्जी अधूरी है और अभी तो सर्दियों का समय है तो धनिया भी खूब आ रहा है मार्केट में, इसलिए आप भरपूर धनिया डालिए। देखिए ये हमारी हो गए हैं और हम इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। देसी घी के पराठे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं। वाह एक तरफ हमारे पराठे तैयार हो गए हैं
एक तरफ से हमारी ये सब्जी भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी तैयार हुई है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। वाह देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेंटिंग लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये। वाह ये हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बनके तैयार है। वाह 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 लीजिए गर्मा गर्म पराठों के संग पत्ता गोभी की सब्जी हमारी तैयार है। आप इसे टेस्ट करिए और सविताज कुकिंग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।